सो गाइस, अगर आप भी अपने लैपटॉप या फिर पीसी में ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, बट आपको पता नहीं कैसे डाउनलोड करना है और कैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी लैपटॉप हो, आप इसका जो रिकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये मेरा लैपटॉप है, इसकी रिकॉर्डिंग हम लोग कैसे कर पाएंगे, ये सारा कुछ इस वीडियो में आपको स्टेप बाई स्टेप पता लग जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, और यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से टाइप करना है, और उसके बाद ये सब ऐप आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे कुछ सेटिंग होती हैं जो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्या सेटिंग होती हैं, जो आप करने के बाद आप अच्छी खासी यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर पाओगे अपने लैपटॉप या फिर पीसी में। तो यहाँ पे आपको टाइप करना होगा बैंडीकैप ऐप के नाम से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपली से आपको इस पर यहाँ पे डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके इसका इंटरफेस शो होता है दोस्तों, और यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है बैंडीकैप, तो यहाँ सबसे पहले ये ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे फ्री डाउनलोड यहाँ पे देख सकते हैं मिल रहा है, फ्री डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन मिल रहा है, गेट फुल वर्जन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मतलब मैंने इसको इंस्टॉल किया था, लेकिन इसको अनइंस्टॉल करके मैं दोबारा आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसी वीडियो होती है यूट्यूब पर जहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बताया जाता है ये डाउनलोड कर लो, ये स्क्रीन रिकॉर्डर, लेकिन लास्ट में होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ये डेफिनेटली आप अच्छी तरीके से यूज़ कर पाओ, देखने को मिल जाएगा। ये पे डाउनलोड पे हमने इसको लगा दिया है, अब ये यहाँ पे डाउनलोडिंग हो रहा है, जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिए, ताकि उनको भी इस सेटिंग के बारे में और इस ऐप के बारे में पता लग सके। तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे शो हो रहा है डाउनलोड हो रहा है, तो यहाँ पर इसको यहाँ पर ओपन करते हैं, और ये डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ से इसको कर देते हैं हम लोग ओपन, जैसे कि यहाँ पे जब आप अपने मोबाइल में फ़ोन में करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको इंस्टॉल करने का ऑप्शन आता है, लेकिन यहाँ पे रन करवाना पड़ता है, जो भी ऐप है आपको उसको रन करवाना पड़ता है अपने लैपटॉप या फिर पीसी में। तो यहाँ पर हमने इसको रन के लिए कमांड दे दिया है, अब यहाँ पर ये रन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाते हैं आगे का ऑप्शन कि ये डेफिनेटली अच्छी तरीके से रिकॉर्डिंग कर लेता है या फिर नहीं कर पाता है। यहाँ पर लाइव स्ट्रीम भी, अगर आप गेमर हो, गेमिंग का चैनल है, आप लाइव स्ट्रीम भी यहाँ पे कर पाओगे अच्छी तरीके से। यहाँ पे सारा कुछ दिया है, तो यहाँ पे आपको सारा कुछ यहाँ पे अलाउ कर देना है। अब यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे देखते हैं इंस्टॉलिंग कम्प्लीटेड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ गया है, तो यहाँ पे इसको कट करके ये देख सकते हैं सामने आ गया है दोस्तों। ये इस पर यहाँ पे हम लोग ओपे करें, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बारे में बताया किस तरीके से आप अपने लैपटॉप और पीसी में स्क्रीन रिकॉर्डिंग इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल करने के बाद अच्छी खासी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर पाओगे, लाइव स्ट्रीम कर पाओगे। तो अगर ये वीडियो से थोड़ा भी नॉलेज आपको मिला होगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल भी फ्री है, सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।